नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हिंदू धर्म इस दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और भारत हिंदू धर्म का मुख्य बिंदु है। लेकिन क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि आखिरकार भारत के किस राज्य में हिंदुओं की कितनी आबादी है और कुल आबादी में हिंदुओं का कितना प्रतिशत है? अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार भारत के किस राज्य में कितने हिंदू रहते हैं और वहां की कुल आबादी में हिंदुओं का क्या प्रतिशत है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। नंबर 35 पर है मिजोरम। मिजोरम की कुल आबादी 10,97,206 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी मात्र 30,136 है, जो कि वहां की कुल आबादी का लगभग 2.75% के आसपास माना जाता है। और मिजोरम राज्य में हिंदू कम्युनिटी एक नेग्लिजेबल कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है। नंबर 34 पर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की कुल आबादी 64,473 के आसपास है, जिसमें से हिंदू आबादी 1,778 के आसपास है, जो कि वहां की कुल आबादी का लगभग 2.77% के आसपास माना जाता है। और यहां पर भी हिंदू कम्युनिटी एक नेग्लिजेबल कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है। नंबर 33 पर आता है नागालैंड। नागालैंड की कुल आबादी 19,78,502 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 1,73,154 के आसपास है, जो कि नागालैंड की कुल आबादी का लगभग 8.75% के आसपास माना जाता है। और नागालैंड में भी हिंदू कम्युनिटी एक नेग्लिजेबल कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है। 32 पर है मेघालय। मेघालय की कुल आबादी 29,66,869 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 3,42,178 है, जो कि मेघालय की कुल आबादी का 11.55% के आसपास माना जाता है। मेघालय में हिंदू कम्युनिटी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है। नंबर 31 पर है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कुल आबादी 1,25,41,302 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 35,66,678 के आसपास है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कुल आबादी का 28.24% के आसपास माना जाता है। धारा 370 के खत्म होने के बाद और लद्दाख का यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ की पॉपुलेशन के अनुपात में थोड़ा बहुत अंतर स्वाभाविक तौर पर देखा जाएगा। नंबर 30 पर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कुल आबादी 13,83,727 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 4,01,876 के आसपास है, जो कि यहाँ की कुल आबादी का लगभग 29.04% माना जाता है। और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है। नंबर 29 पर है पंजाब। पंजाब की कुल आबादी 2,77,43,338 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 1,67,08,138 है, जो कि पंजाब की कुल आबादी का 48.49% माना जाता है। और पंजाब में हिंदू कम्युनिटी एक सिग्निफिकेंट कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 28 पर है मणिपुर। मणिपुर की कुल आबादी 28,55,794 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 11,81,876 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 41.39% माना जाता है। और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 27 पर है केरला। केरला की कुल आबादी 3,34,06,661 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 1,82,42,492 है, जो कि केरला की कुल आबादी का 54.75% माना जाता है। और केरला में हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 26 पर है सिक्किम। सिक्किम की कुल आबादी 6,10,577 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 3,52,662 है, जो कि सिक्किम की कुल आबादी का 57.76% माना जाता है। और यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 25 पर है असम। असम की कुल आबादी 3,12,05,576 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 1,91,80,759 है, जो कि असम की कुल आबादी का 61.47% माना जाता है। और असम में हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 24 पर है गोवा। गोवा की कुल आबादी 14,58,545 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 9,30
67,867 है, जो कि गोवा की कुल आबादी का 66.08% माना जाता है। और गोवा में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 23 पर है झारखंड। झारखंड की कुल आबादी 3,29,88,134 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 2,23,76,151 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 67.83% माना जाता है। और झारखंड में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 22 पर है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की कुल आबादी 3,80,581 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 2,64,296 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 69.45% माना जाता है। नंबर 21 पर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कुल आबादी 9,12,76,115 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 6,43,85,546 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 70.54% माना जाता है। नंबर 20 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 19,98,12,341 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 15,93,12,654 है, और यह उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 79.73% माना जाता है। नंबर 19 पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कुल आबादी 11,23,74,333 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 8,97,03,157 है, और यह महाराष्ट्र की कुल आबादी का 79.83% माना जाता है। और महाराष्ट्र में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 18 पर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की कुल आबादी 10,55,450 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 8,52,574 है, और चंडीगढ़ में हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर जानी जाती है, और ये वहाँ की कुल आबादी का 80.78% माना जाता है। नंबर 17 पर है दिल्ली। दिल्ली की कुल आबादी 1,67,87,941 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 1,37,12,100 है, जो कि दिल्ली की कुल आबादी का 81.68% माना जाता है। और दिल्ली में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 16 पर है बिहार। बिहार की कुल आबादी 10,40,99,542 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 8,60,78,686 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 82.69% माना जाता है। और बिहार में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 15 पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कुल आबादी 1,86,292 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 83,68,636 है, जो कि उत्तराखंड की कुल आबादी का 82.97% माना जाता है। और उत्तराखंड में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 14 पर है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कुल आबादी 36,73,917 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 30,63,903 है, जो कि त्रिपुरा की कुल आबादी का 83.40% माना जाता है। और त्रिपुरा में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 13 पर है कर्नाटक। कर्नाटक की कुल आबादी 6,10,95,297 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 5,13,17,472 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 84% माना जाता है। और कर्नाटक में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 12 पर है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी की कुल आबादी 12,47,953 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 10,89,409 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 87.30% माना जाता है। और यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 11 पर है हरियाणा। हरियाणा की कुल आबादी 2,53,51,462 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 2,21,71,128 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 87.86% माना जाता है। और हरियाणा में भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 10 पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कुल
आबादी 7,21,47,130 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 6,31,88,168 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 87.58% माना जाता है। नंबर 9 पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कुल आबादी 8,45,80,770 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 7,48,24,149 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 88.46% माना जाता है। नंबर 8 पर है राजस्थान। राजस्थान की कुल आबादी 6,85,48,437 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 6,06,60,657 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 88.49% माना जाता है। नंबर 7 पर है गुजरात। गुजरात की कुल आबादी 6,04,39,692 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 5,35,03,988 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 88.57% माना जाता है। नंबर 6 पर है दमन दीव, जहाँ की कुल आबादी 2,43,247 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 2,20,150 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 90.50% माना जाता है। और यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 5 पर है मध्य प्रदेश, जहाँ की कुल आबादी 7,26,26,809 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 6,60,07,121 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 90.89% माना जाता है। नंबर 4 पर है छत्तीसगढ़, जहाँ की कुल आबादी 2,55,45,198 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 2,38,19,789 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 93.25% माना जाता है। और यहाँ पर भी हिंदू कम्युनिटी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के तौर पर मानी जाती है। नंबर 3 पर है उड़ीसा। उड़ीसा की कुल आबादी 4,19,74,218 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 3,93,341 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 93.68% माना जाता है। नंबर 2 पर है दादर नगर हवेली, जहाँ की कुल आबादी 3,47,709 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 3,22,857 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 93.93% माना जाता है। और नंबर 1 पर है हिमाचल प्रदेश, जहाँ की कुल आबादी 68,64,602 है, जिसमें से हिंदुओं की कुल आबादी 65,32,765 है, जो कि वहाँ की कुल आबादी का 95.17% माना जाता है। ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।